नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर आज देश भर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहने वाली हैं। दरअसल बीते दिन आपको बता दें फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बंद की घोषणा की थी, जिसके बाद सफदरजंग अस्पताल आरएमएल समेत कई अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों ने आज ओपीडी में मरीजों के इलाज नहीं करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों ने इस हड़ताल में अपना समर्थन देने का फैसला भी लिया है। दिल्ली के साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत अन्य कई राज्यों ने डॉक्टरों ने ओपीडी में मरीजों का आज इलाज नहीं करने की बात की है। इसी के साथ ही एनसीआर में भी इसका असर देखने को मिलेगा। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने बताया कि गुरुवार को हमने मीटिंग की थी जिसमें सारे आरडीए जुड़े थे, तो हमने तय किया कि हम ओपीडी सर्विसेज बंद करेंगे और ये कब तक चलेगा हमें नहीं पता, यह अनिश्चितकालीन है और जब तक कि कोई ठोस उपाय नहीं मिल जाता है तब तक ये चलेगा। तो ऐसे में आज देश भर के 10,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दरअसल मांगे डॉक्टरों की तरफ से रखी गई है और ऐसे में दिल्ली के 3 अस्पतालों में आज ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से मरीजों के लिए बंद रहने वाली हैं।